अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूज, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, आपके खानों का जायका सलामत रखे, आपको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी और ईमान वाली ज़िंदगी दे। आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। ये तकरीबन 1.5 किलो चावल हैं, बासमती सुपर बासमती के, और साथ में 1 किलो मटर है, मटरों के दाने हैं 1 किलो। ये आलू हैं, ये टमाटर हैं, ये प्याज है, ये अदरक और लहसुन है, और सब्ज़ मिर्च है। ये घी डाल दिया है, इसमें प्याज डालते हैं, और ये साथ में मैंने पानी भी उबलने के लिए रखा है कि गैस कम है, कि चलो पानी भी साथ, प्याज के ब्राउन होने तक पानी भी हो जाए साथ। मसाला डाल दिया इसमें, साथ ही अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन डाल देती हूँ। अब इसमें आलू डाल देते हैं, क्योंकि आलू ज़्यादा मटरों से ज़्यादा देर लगाएंगे। थोड़े से आलू फ्राई करके तो फिर साथ ही टमाटर डाल देंगे। आलू भी मटरों में, मटरों के अंदर मिल गए हैं, अभी चुन के निकालती हूँ इनको। ये नमक है हसबे जायका, सुरख मिर्च है, ये भी अपने टेस्ट के साथ, कि किसी का टेस्ट जो है वो ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम करता है। हाँ, क्योंकि हम ज़रा ये मटर पुलाव स्पाइसी खाएंगे। अब मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए ढांप देती हूँ, फिर मटर डालती हूँ। चलें जी, मटर डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, मटर डाल के तकरीबन 10 मिनट तो इसकी भुनाई कर ही लेंगे, क्योंकि आँच बहुत धीमी है। तो फिर भी शुक्र है अल्लाह का, आ रही है, कुछ इलाकों में तो बिल्कुल नहीं आ रही। कोई काम कर रहा है, चाय बना रहा है, लो जी किसी ने कंप्रेसर चला दिया है तो वो बंद हो गया है। हाँ, तो मैंने, मुझे तो खैर ज़रदा रंग इसके ऊपर पसंद नहीं है चावलों पर, लेकिन मेरी बहुओं को पसंद है, इसलिए ज़रदा रंग भी इसके ऊपर डालना है। हाँ, तो अब देखें रंग इसका कितना खूबसूरत है, और जब ज़रदा रंग डलेगा तो और खूबसूरत हो जाएगा। और मेरी सिस्टर है ना साथ में, तो क्या थी कि जो कंप्रेसर चला देते हैं ना, दिल कर रहा है कि गली में बड़ा सारा बोर्ड प्यारी प्यारी बातें लिख के ना तो उनके लिए लगा दें, क्योंकि इतने तंग हैं कि चाय बन रही होती है तो कंप्रेसर चलता है, तो लो जी आवाज़ इतनी आ रही होती है लेकिन चाय नहीं बनती। कुछ ख्याल कर लें कंप्रेसर लगाने वाले। चले, मैं इसको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए ढांप देती हूँ, उतने तक मटर हो जाएं। आलू मटर तो भुन रही है मैंने, अगर आपको ये जो स्टीम है कुछ नज़र आने देगी तो। अब मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ, पानी मैंने नाप के गर्म करके रख लिया है। तो
देखिए हमने चावल भी डाल दिए हैं, पानी मैंने कम डाला है क्योंकि गैस की कमी की वजह से पानी कम है। पहले पीस के मिक्सी डाली है मैंने, सब इसमें साबर डाल दी है। अब इसको डाल देते हैं, 5 मिनट बाद देखेंगे आगे क्या बना है। उतने देर तक कोई और काम कर लें, देख लें। चलेंगे अब तकरीबन 5 मिनट, अब इसको 5 मिनट के बाद इसको दम लगाएंगे क्योंकि अभी इसमें पानी है। थोड़ा सा पानी और कम हो जाए तो फिर दम लगाते हैं। इसमें जर्दा रंग डाल दिया है, अब मैं इसको दम लगा देती हूँ।